की प्राथमिकता का हिस्सा है। सरकार ने तय किया है हम एक मैपिंग करा रहे हैं हर परिवार का, जिस परिवार को पर नौकरी रोजगार नहीं मिला है राज्य सरकार उन्हें नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। और उस कार्यक्रम के तहत भी मैं आपके जनपद बिजनौर में आया हूं, आपने विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके बिजनौर को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है, इसके लिए पूरे बिजनौर वासियों का अभिनंदन है। 267 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विकास के साथ साथ आधुनिक बिजनौर की नई तस्वीर को प्रदेश और देश के सामने रखेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई, मेरी शुभकामनाएं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में एक बार हम सब चल करके नए भारत का नया प्रदेश बनाने और बिजनौर भी वहां पर हम सब भागी बनेगा, इस विश्वास के लिए आप सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी अत्याधुनिक बैरक का निर्माण का कार्य हर एक पुलिस लाइन में हो रहा है। आज यहाँ पर महिला हॉस्टल का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है और पुलिस कार्मिकों के लिए भी बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध हो इस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बना है। कभी उत्तर प्रदेश जंगों के लिए जाना जाता था, रोज करना होता था, विकासवादी होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। परिणाम है निवेश आ रहा है, परिणाम है रोजगार का सृजन हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। बिजनौर जनपद, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ये श्रेष्ठ जनपद है जो बहुत दूर है, राजधानी लखनऊ से दूर होने के बावजूद चुपचाप विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने भी तय किया कि मैं बिजनौर जनपद में ही रहूंगा और बिजनौर जनपद में रुक करके यहां
कि आप मेडिकल कॉलेज अपने स्वप्न में बिजनौर जनपद के नौजवानों को यहीं पे प्रवेश की सुविधा में उपलब्ध कराए और यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा भी इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बिजनौर वासियों को, आसपास के लोगों को, उत्तराखंड के वासियों को भी ये सुविधाएं प्राप्त हो। नगीना काशीपुर हरिद्वार मार्ग के लिए भी राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए भी धनराशि हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। मेरठ बिजनौर खंड का कार्य यह भी प्रगति पर है। बिजनौर से पानीपत घटना मार्ग के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है और इस प्रकार की अनेक परियोजनाओं को लेकर के, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की हो, एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर रोजगार सृजन के लिए अन्य अनेक परियोजनाओं का कार्य यहां पर हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर पुलिस लाइन है, ये नवीन पुलिस लाइन है और नवीन पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए अब तक आवास की सुविधा नहीं होती थी। 2 मंजिल 12 मंजिल के आवास से